देश को आजाद कराने के लिए मैं फंदे पर हंसते हंसते झूल गया। आपने आजादी दिलाई, आज उसकी स्थिति देखी, हालात और बिगड़ गए हैं। सही बोला। ऐसा नहीं है भगत, देश तरक्की कर रहा है। देश तो बढ़ रहा है, पर हमारे देशवासी पीछे जा रहे हैं। नहीं भगत, हमारे देशवासी भी आगे बढ़ रहे हैं, हर क्षेत्र में, शिक्षा, स्वास्थ्य, विज्ञान, कृषि। क्या खाद बढ़ रहा है? लोगों को एक दूसरे से लड़ने से फुर्सत मिले तब तो। लोग धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर एक दूसरे को मार काट रहे हैं। किसान आत्महत्या कर रहे हैं। डॉक्टर सरकारी अस्पताल को छोड़कर अपने प्राइवेट क्लिनिक पर बैठे हुए। नेता लोगों में फूट डालकर सत्ता लिए बैठे हुए हैं। हिंसा से किसका भला हुआ है? सभी को अहिंसा के मार्ग पर चलना चाहिए। किसे समझा है इन लोगों को? आज का दिन याद है ना, 30 जनवरी, आज ही के दिन आपको गोली मार दिया था ना। आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है तो चलिए मेरे साथ वर्तमान काल। सर 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 क्या है सर, मेरा पेंशन वाला काम करवा दीजिए ना। अरे बोले तो थे टेबल के टॉप से मिठाई का डब्बा लगेगा। सर हम गरीब आदमी हैं, हमारे पास उतना पैसा नहीं है। अरे टेबल के नीचे से मिठाई का डिब्बा दे देकर तो हम भी कुर्सी पर बैठा। छोटा छोटा डिब्बा नहीं लेंगे तो बताइए कैसे काम चलेगा? तू हमरा की निकाल दिए चोर सर, हम ही तो नहीं चोर से निकाल दिए। चोर हमर छे, चोर हमर छे, हमर यह है देश की हालत, यही तरक्की हुई है इन 73 सालों में। कोई भ्रष्ट है, कोई बेवकूफ है तो कोई ढोंगी बना हुआ है, कोई रिश्वत में डूबा है, कोई धर्म के नाम पर लड़ रहा है, और जो नेता है उन्हें धर्म से फुर्सत ही कहा है। व्यक्ति अपने विचारों से निर्मित प्राणी है, वह जो सोचता है वही बन जाता है। परमात्मा का कोई धर्म नहीं है, मैं उसे धार्मिक कहता हूं जो दूसरों का दर्द समझता है। खुद वह
बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। पाप से घृणा करो, पापी से प्रेम करो। Welcome.